व्हाट इज इंडेक्स नंबर बिटवीन टू पीरियड स्टडी करता है वेरिएबल्स की, ठीक है। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, आपके प्राइस भी हो सकते हैं, क्वांटिटी भी हो सकती है, वैल्यू भी हो सकती है। सो इंडेक्स नंबर इज अ टेक्निक टू मेजर एवरेज कंपोजिट चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पीरियड विथ द चेंजिंग टाइम वेरियस चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिक सोशल एंड कॉमर्शियल सेक्टर्स बट सच चेंजेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ राइस sugar etc expressed in terms of quintals, price of milk is in terms of liters and price of cloth in meters. So इन सब के लिए हम क्या करते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से हम इसकी कंसाइज्ड स्टडी करते हैं। Secondly, the price of different commodities changes by the different percentage and in percentage direction. Therefore, it is not possible to study these changes directly. To study such type of changes, we have to use technique of index number. Index number की study क्या होती है, different percentages से होती है। अगर हम ये देखिए कि किसी की value में या worth में जो changes हुए हैं उसके according study करना बड़ा मुश्किल होता है, so percentage में study हम किस में करते हैं, index number में। Characteristics are, index number is a numerical measure. देखिए आप जो भी commodities qualitative नहीं है, क्वांटिटेटिव है, डैट मीन्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, उसे ही आप इंडेक्स नंबर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एवरेज ऑफ परसेंटेज, ये पूरी कमोडिटीज के एज अ एवरेज ऑफ परसेंटेज यूज किया जाता है। बेसिस ऑफ कंपैरिजन, दिस इज द बेस्ट बेसिस, आप डिफरेंट ईयर्स में आप कंपैरिजन करेंगे। इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, कंपैरिजन विथ अ वेरिएबल प्राइस। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये सोशल इकोनॉमिक और कमर्शियल सभी जगह एप्लीकेबल होता है। इम्पॉर्टेंस एंड यूज ऑफ इंडेक्स नंबर, मेजरमेंट ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी। आप जब डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि हम परचेजिंग पावर ऑफ मनी का कैसे मेजरमेंट करते हैं। हेल्पफुल इन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज डिटर्मिनेशन, जब आपको डिफरेंट ईयर्स का कंपेरेटिव स्टडी आपके हाथ में होगी, न्यूमेरिकल डेटा आपके हाथ में होंगे, आप प्लानिंग बहुत ईजिली कर पाएंगे। सिंप्लीफाइज कंपेरेटिव स्टडी, हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द फ्यूचर ट्रेंड, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स, कॉम्प्लिकेटेड जो भी फैक्ट्स है उनको सिंप्लीफाई करके एज अ परसेंटेज ये कैलकुलेट किया जाता है। एस्टिमेशन ऑफ द चेंज इन नेशनल इनकम, एंटिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, सोशल इकोनॉमिक और कॉमर्शियल सेक्टर्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करने में बहुत ईजी होता है, वो बहुत ही अच्छे से अपनी प्लानिंग इम्प्लीमेंट कर लेती है। यूटिलिटी फॉर इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टर्स, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, एवरेज इंडिकेशन, इसमें आप क्या करते हैं, वैल्यू के अकॉर्डिंग, लाइक ये नहीं पता है कि कितने रुपीस के चेंजेस हो रहे हैं, आप इसमें क्या करते हैं, परसेंटेज वाइज चेंजेस डिटरमाइन करते हैं। सो एवरेज इंडिकेशन, लैक ऑफ एक्यूरेसी, हमने पढ़ा था कि जैसे शुगर को हम क्विंटल में करते हैं और मिल्क को लीटर में, तो ये सब जगह एक से एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, दैट इज द लैक ऑफ एक्यूरेसी। एरर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है। डेफिनेट ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट टर्म कंपेरेबल, बहुत कम पीरियड का ही कंपैरिजन कर पाता है। लिमिटेशन ऑफ एवरेजेस, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, अलग अलग सेक्टर्स में इसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस कैलकुलेट की जाती है, डज नॉट क्लैरिफाई द सिचुएशन।